हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावालास हब ऑफ अकाउंटेंसी। और एक बड़े डिफरेंट टॉपिक जो शायद हम अपनी क्लासेस में भी टीच नहीं करते, उसके साथ मैं हाजिर हूँ, एंड दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड कैश। सबसे पहले एक आम आदमी के लिए ये रिस्ट्रिक्टेड कैश होता क्या है, मैं फ़र्स्ट एग्जाम्पल दूंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी की। दुनिया भर में क्या होता है कि जब आप कभी कोई अपनी अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हो, तो आप कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर देते हो या कंस्ट्रक्शन की बुकिंग कराते हो, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है भाई आप ऑर्डर तो दे रहे हो, लेकिन क्या गारंटी है कि 6 मंथ्स के बाद आप मुकर जाओ, आप पे ही ना करो। तो आप कहते हो ठीक है, मैं कुछ अमाउंट एक इंडिपेंडेंट अकाउंट में रखवाता हूँ, यानी वो एक ऐसा अकाउंट होगा जिस पे ना मैं टच कर सकूँगा ना आप टच कर सकोगे, लेकिन वो एक सिक्योरिटी आपके पास पड़ी होगी। इसको कहते हैं स्क्रू अकाउंट। ये दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट है। हम लोग तो कई बार शायद पाकिस्तान में ऐसे ब्रोकर के पास या टोकन रखवा देना, ये वही वाली चीज़ है कि किसी थर्ड पार्टी के पास रखवा दिए। लेकिन है ये क्या, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती, बस ये अमानत एक अकाउंट में पड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड कैश। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लाइक राइट नाउ आई एम इन मिर्चावालास हब ऑफ अकाउंटेंसी। तो फॉर एग्जाम्पल मिर्चावालास हब ऑफ अकाउंटेंसी हमने मॉर्गेज पे लिया हुआ है किसी बैंक से, राइट? तो अब मुझे बैंक को क्या क्या पेमेंट करनी है, मुझे बैंक को हमेशा प्रिंसिपल पे करना होगा जब मैं रूटीन इंस्टॉलमेंट्स पे करूँगा, इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, US और इन कंट्रीज़ में 2 पेमेंट्स और करनी है। घर की इंश्योरेंस हर हाल में मस्ट है, और इसी तरह घर का प्रॉपर्टी टैक्स। तो अब बैंक आपको 2 ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो ये इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स खुद डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे दें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि बैंक कहती है कि आप हमें दे दो और हम ईयर एंड पर एक साथ आपकी ये पेमेंट कर देंगे। तो अब कई बार हम लोग ये ऑप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम बैंक को दे देंगे, लेकिन वो पेमेंट तो ईयर एंड पे होने की है, तो बैंक उस पेमेंट को स्क्रू अकाउंट में रखता है, यानी हर महीने में बैंक को इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करूंगा जो कि बैंक यूज नहीं कर सकती, वो एक स्क्रू अकाउंट में होगा, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड कैश होगा, बस वो बैंक एक थर्ड पार्टी के पास समझ लें अमानत पड़ी होगी। सर इसकी थर्ड एग्जाम्पल क्या है, मैंडेटोरी डिपॉजिट्स इन सेंट्रल बैंक्स। आप लोगों में जिन्होंने बैंकिंग पढ़ी है, तो नॉर्मल एक कमर्शियल बैंक को एक सर्टेन अमाउंट का डिपॉजिट सेंट्रल बैंक में रखना होता है जिसको सेंट्रल बैंक भी यूज नहीं कर सकती, तो वंस अगेन ये भी रिस्ट्रिक्टेड कैश हो गया। सर कोई और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है जो एडवांस लेवल की है, दैट इज पेंशन। कई बार एम्प्लॉयर्स जो हैं वो पेंशन फंड्स मेंटेन करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो उस पेंशन फंड को भी एम्प्लॉयर खुद यूज अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता, तो वो भी एक रिस्ट्रिक्टेड कैश की एग्जाम्पल हो गया। तो सवाल ये है कि अब ये रिस्ट्रिक्टेड कैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह रिकॉर्ड होगा। सर पहला क्वेश्चन, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पर मीट करता है? जवाब नो। सर क्यों, आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कैश की डेफिनेशन क्या है, कैश ऑन हैंड, जो हमारे हाथ में कैश हो, या डिमांड डिपॉजिट, यानी मैं जो पैसे मेरे बैंक में पड़े हैं मैं एक क्लिक पे निकलवा सकता हूँ। जरा सोचें, रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या मेरे हाथ में नहीं, क्या मैं उसे एक क्लिक पे निकलवा सकता हूँ? नहीं, वो तो एक थर्ड पार्टी अकाउंट में पड़े हुए जिसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। तो रिस्ट्रिक्टेड कैश कैश की डेफिनेशन पे मीट नहीं हुआ। अच्छा जी, सेकेंड चीज हमने पढ़ी है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट क्या होती है, ये ऑल लिक्विड इन्वेस्टमेंट विच आर रेडिली कन्वर्टेबल इंटू कैश, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है से 3 मंथ्स, यानी जो 3 महीने के अंदर, द नॉर्मल इंटरप्रिटेशन यही है, 3 महीने के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए और साथ साथ उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क ना हो। तो जरा सोचें, ये रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाला है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस? नो। तो इसका मतलब ना ये कैश है ना कैश इक्विवेलेंट है। तो अब सवाल ये है कि सर ये SOFP में कैसे रिकॉर्ड होगा, जब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है तो ये कैश एंड कैश के हेड में रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि SOFP में, अब मैं यहाँ थोड़ी एडवांस बात करूंगा, ये अदर फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड होता है। जिन जिन लोगों के पास रिस्ट्रिक्टेड कैश होता है वो उसको अदर फाइनेंशियल एसेट्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, इसमें एक इशू आता है कि इसको आपने करंट में क्लासिफाई करना है या नॉन करंट में, तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको रियलाइज कब करोगे। अगर विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आप उसको रियलाइज करने वाले हो तो ये करंट में आ जाता है, वरना ये नॉन करंट में जाता है। सेकेंड स्टोरी बहुत अहम है, सवाल ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में इसका ट्रीटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। अब गौर से सुनना, डेफिनेटली दिस इज टेक्निकल टॉपिक और ये बड़े लोगों के लिए। ये देखें, आप सब जानते हैं कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर कोई चीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड में आप लोगों को याद होगा जो रिकंसिलेशन करते हैं, जिसमें आप लोग लिखते थे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उसमें जाके रिपोर्ट होती थी अगर कोई चीज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो। लेकिन मैंने अभी प्रूफ किया है कि रिस्ट्रिक्टेड कैश कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एंडिंग में तो नहीं आएगी,
तो जब ये एंडिंग में नहीं आएगी तो नॉर्मली ये तीन में से एक एक्टिविटी में रिकॉर्ड होती है इसकी मूवमेंट, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल रिस्ट्रिक्टेड कैश में थोड़ी मूवमेंट हुई है और वो रिस्ट्रिक्टेड कैश रिलेटेड टू बोरिंग्स हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड कैश रिलेटेड टू बोरिंग्स हैं तो फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, रिस्ट्रिक्टेड कैश में कुछ मूवमेंट हुई है और वो ऐसा अमाउंट है जो हमारे क्लाइंट्स ने हमें डिपॉजिट कराया हमारी रूटीन ऑपरेशन से रिलेटेड, यानी जो हमारा प्राइमरी वर्क है उससे रिलेटेड, तो ऐसी सूरत हाल में फिर वो वाली जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। हो गया।